इसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि क्या डिफरेंस है एक्चुअल में जो पढ़ाई होती है और जो हम टारगेट ग्रुप में बच्चों को एक 10 क्वेश्चन ही क्यों ना दें, लेकिन वो जो 10 क्वेश्चन होता है दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको आज पता चलेगा दोस्तों। सो सबसे पहली बात अगर मैं करता हूँ तो आज के क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्टन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 आवर, यानी अ सर्टन नंबर ऑफ मेन है जो किसी काम को 6 आवर में करते हैं, यानी अगर मैं बोलूँ तो मेन 6 आवर लेस देन, बहुत ध्यान से पढ़ना, 6 आवर लेस देन टाइम टेकन बाय सम वुमेन, यानी जो भी मेन है, यानी लेट मैंने अज्यूम किया कि टोटल नंबर ऑफ मेन एम है और टोटल नंबर ऑफ वुमेन डब्लू है, यानी अगर वुमेन्स को काम करने में एक्स डेज लग रहा है तो मेन्स जो है उसे एक्स माइनस सिक्स यानी 6 डेज कम में काम ख़त्म करेगा। अभी तक हमारे पास ये आया कि जितना वर्क मेन एक्स माइनस 6 डेज में करेगा उतना ही वर्क वुमेन एक्स डेज में करेगी। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, जब भी आप मेंस के क्वेश्चंस को बनाओगे पेशेंसली बनाना। क्वेश्चन है, वर्क कंप्लीटेड बाय वन मेन इन 1 आवर इज सेम एज वर्क कंप्लीटेड बाय वन वुमेन इन 1 आवर, यानी अगर आगे प्रोसीड किया जाए तो बोलने का मतलब है एम एक्स माइनस 6 ये इक्वल है दोस्तों वुमेन एक्स, यानी अगर मेन जितना 1 आवर में काम करता है उतना वुमेन भी 1 आवर में करती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हमें स्टार्टिंग में IIT JEE की पेपर देते थे तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते थे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन कैन सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, यानी मेन और वुमेन की कौन सी रेशियो जो है सेटिस्फाई कर सकती है। आपके पास फाइनल रेशियो ये है दोस्तों, आपको देखना है कि मेन और वुमेन की कौन सी रेशियो सेटिस्फाई करती है। पहला 5:6, यानी मेन 5 और वुमेन 6। अगर आप मेन की वैल्यू 5 लेते हो तो चेक करो 5 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 6x, यानी यहाँ से होगा 5x माइनस 30 विल इक्वल टू 6x, दैट इम्प्लाइज 6x, और यहाँ आप लाओगे माइनस 6 यानी x की वैल्यू माइनस 30, और x क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ डेज है, दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो 5:6 ये जो ऑप्शन है ये पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। दूसरे क्वेश्चंस को देखूंगा, 10:3 का रेशियो अगर हम चेक करते हैं तो 10:3 अगर आप लेते हो तो पहले ही इक्वेशन में 10x-6 इज इक्वल टू 3x, यानी 10x-60 विल इक्वल टू 3x, यानी देखा जाए तो 7x विल इक्वल टू 60, तो x विल इक्वल टू 60/7, दैट इज़ अ पॉसिबल वैल्यू हो सकती है क्योंकि नेगेटिव नहीं है क्योंकि x डेज है। तो 10/3 एक पॉसिबल चांस है, दूसरा है 8:5, तीसरा है 10:7। अगर आप 8:5 करते हो तो ध्यान से देखो, हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, mx-6 इज इक्वल टू wx, एम एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। अगर आप 8:5 करते हो तो 8x-6 विल इक्वल टू 5x, यानी 8x-48 विल इक्वल टू 5x, एंड 3x विल इक्वल टू 48, एंड x विल इक्वल टू 16, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबल वैल्यू फॉर नंबर ऑफ डेज। ये एक, यानी ये भी पॉसिबल वैल्यू है। तीसरा आप देखो 10:7, फिर से अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो 10x-6 विल इक्वल टू 7x, यानी 10x-60 विल इक्वल टू 7x, और बोला जा सकता है 3x इज इक्वल टू 60 एंड x विल इक्वल टू 20, यानी अगर सिर्फ पहले वाली कंडीशन को हटा दिया जाए तो बाकी तीनों ही कंडीशन में नंबर ऑफ डेज की जो वैल्यू आ रही है वो एक पॉसिबल वैल्यू है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 2, 3 एंड 4 फॉलोस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आया होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस मेंस में आपको मिलेंगे। चलिए प्रोसीड करते एक और शानदार क्वेश्चंस की तरफ जो कि बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ वेसल हैज़ 200 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 40 लीटर ऑफ वाटर, यानी अगर मैं बात करूँ 200 लीटर मिल्क है और 40 लीटर वाटर है, और वाटर कितना है आप बहुत ध्यान से देखना 40 है। इनिशियली बात की जाए तो मिल्क इज़ टू वाटर की रेशियो जो है वो 5:1 है। ये चीज़ों को आप लिखते चलना, बनाने का तरीका ऐसा ही होता है दोस्तों। इफ़
डैश यहाँ पे आप ले लो, इफ़ एक्स लीटर ऑफ वाटर मिक्सर इज़ टेकन आउट, अगर आप एक्स लीटर मिक्सर टेकन आउट करते हो तो इसमें 5/6 पार्ट मिल्क निकलेगा और 1/6 पार्ट वाटर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये इनकी रेशियो 5:1 है। तो टोटल अगर मिल्क बोला जाए तो 6 पार्ट अगर निकला उसमें से 5 पार्ट मिल्क होगा और 1 पार्ट वाटर होगा, यानी मिल्क जो निकलेगा वो 5/6 एक्स निकलेगा। अगर मैं एक्स लीटर को रिमूव कर रहा हूँ उसमें से, तो यानी यहाँ से अगर मैं माइनस करता हूँ तो 5x/6 मेरा निकल गया मिल्क और वाटर निकला -x/6। आगे देखिए, एंड वाई लीटर, अगर आप अज्यूम कर लो कि वाई लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, साथ में आपने क्या किया, वाई लीटर ऑफ वाटर इज ऐड कर दिए, तो ये हमारा फाइनल जो बना क्या हुआ, बोला गया है इसके बाद द अमाउंट ऑफ मिल्क इज बिकम 125 लीटर मोर देन वाटर इन इट, यानी अभी जो मिल्क है वो वाटर से 125 लीटर ज़्यादा है दोस्तों। तो अभी मिल्क कितना है, तो आप बोलोगे 200 - 5x/6 ये मिल्क है हमारा, यहाँ से अगर आए तो। वाटर कितना है, तो आप बोलोगे 40 - x/6 + y, ये है वाटर की कंसंट्रेशन। आज के डेट में क्या कंडीशन है, मिल्क कितना है, तो 200 - 5/6 x, यानी आप बहुत ही पेशेंसली क्वेश्चंस को देखो, 200 - 5x/6 ये आज की वाटर है, ये क्या है, मिल्क से दोस्तों 125 लीटर ज़्यादा है। मिल्क कितना है, सॉरी, वाटर से 125 लीटर ज़्यादा है। और वाटर कितना है दोस्तों, वाटर है 40 - x/6 + y, यानी दिस विल इक्वल टू 40 - x/6 + y जो वाटर है अभी, और इससे 125 लीटर ज़्यादा है दोस्तों। तो बहुत ही पेशेंसली आपको क्वेश्चंस को बनाना होगा। आप देखिए, मैं सारे चीज़ों को अगर एक साइड लाता हूँ तो यहाँ आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये चीज़ आप देखना। यहाँ पे अगर देखा जाए, -x/6 + मैं करता हूँ 5x/6 + करता हूँ y, तो ये इक्वल हो जाएगा 200 - 125 - 40, यानी यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 4x/6 + y विल इक्वल टू 35। यहाँ अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 75 - 40 करोगे तो 35, यानी अगर आप फिर से 6 को एलसीएम लेते हो तो ऊपर होगा 4x + 6y विल इक्वल टू 35 × 6, दैट इज 210, यानी 4x + 6y की वैल्यू 210 आती है। यानी आप ये लिख सकते हो कि 2x + 3y विल इक्वल टू 105। ये मिला हमारा एक फाइनल इक्वेशन। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपसे ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रल वैल्यू गिवन इन द ऑप्शंस, कौन से वैल्यूज हो सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, हमारे पास तो हमने इक्वेशन ला लिए 2x + y विल इक्वल टू 105, तो चेक करो यहाँ पे क्या है, 3 × 2 × 36 + 11 ×, चेक करो आप कैसे आएगा 2x + y, यानी आपको x की वैल्यू 36 रखना और y की वैल्यू 11 रखना। तो अगर आप चेक करते हो पहला 36 और 11, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर x की वैल्यू 36 रखते हो तो आएगा 72, यहाँ पे 11 रखते हो तो होगा 33, दैट इज़ 105, यानी पहला जो है 36 और 11 इज़ अ राइट ऑप्शन। दूसरी वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ 30 और 15, अब दूसरी वैल्यू आप चेक करो, 30 और 15, 30 रखते हो तो 60 एंड 15 रखते हो तो 45, यानी ये भी 105 आ गया, ये भी राइट है, तो दूसरा ऑप्शन भी राइट है। तीसरा आप देखो 42 और 12 अगर आप लेते हो तो 42 × 2 यानी 84 और 12 × 3 = 36, 083, ये 120, यानी ये एक वैल्यू रॉन्ग है। थर्ड वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फोर्थ 24, 19 और 5th 18, 24, अगर आप 24 और 19 लेते हो एंड 18 और 24, हमें ये दो वैल्यू लेनी थी, 24 × 2 करते हो 48, 19 × 3 = 76, ये दिख रहा है सीधे कि 10, 115 से ज़्यादा है, तो ये वैल्यू भी नहीं होगा। दूसरा 18 और 24 लेते हो तो 18 × 2 = 36 और 24 × 3 = 72, ये भी नहीं होगा, 108 हो जरा, यानी दो वैल्यूज़ यहाँ पे क्लियर हैं। यानी बोला जा सकता है दोस्तों कि वनली
ए एंड बी फॉलोज, तो ओनली ए एंड बी विल बी द राइट आंसर दिस वन। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मेंस में, जहां पे आपको थोड़ा सा स्टेप ऊपर चल के करना होगा काम। एक और मैं शानदार क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो ट्रेन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को आप बहुत पेशेंसली देखना, और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप इसे लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर करना दोस्तों। साथ ही ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के लिए ज्वाइन कीजिए हमें स्टूडेंट फरमाइस के टेलीग्राम चैनल पर, और साथ में जो 374 का जो प्लैटिनम पैकेज है खरीदिए, और मौका अपने प्रिपरेशन को एक फाइनल टच दीजिए हमारे साथ। तो चलिए समय को वेस्ट किए बिना एक और क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ए एंड बी क्रॉसेस ईच अदर इन 12 सेकेंड। अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं 12 सेकेंड में। मूविंग टुवर्ड्स यानी आमने सामने आ रहे हैं, एक साइड से आ रहे हैं। अब जैसे ही अगर मैं बोला कि अगर इस में मूविंग टुवर्ड्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको मैं बता दूं कि टाइम इज़ इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो दोनों ट्रेन का होगा, यानी डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ए या फिर लेंथ ऑफ ट्रेन ए बाय लेंथ ऑफ ट्रेन बी। और स्पीड देखिए, जो मूव कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्पीड होगी क्योंकि समय कम लगेगा, तो स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी करते हैं जब सेम डायरेक्शन रहता है। जब अपोजिट रहता है तो ग्रेटर स्पीड माइनस स्मॉलर स्पीड करते हैं। ये शायद आपको बातें पता होंगी। अब देखिए कितने देर में वो कर रहे हैं, तो 12 सेकेंड में मूव कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी 12 विल इक्वल टू डी ए। अब हमें निकालना है डी ए और डी बी क्या है। यहाँ पे गिवन है स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज़ 81 एंड 54, यानी इसकी स्पीड 81, इसकी स्पीड है 54। यहाँ तक बातें क्लियर है शायद से। अब अगर मैं बोलूँ आगे देखिए क्वेश्चंस को, लेंथ ऑफ ए इज़ 150 मीटर मोर देन लेंथ ऑफ बी, यानी इसका अगर आपने एक्स लिया तो इसका होगा एक्स प्लस 150, यानी टोटल लेंथ देखा जाए तो एक्स एंड एक्स प्लस 150 दैट विल इक्वल टू 2x प्लस 150, एंड टोटल स्पीड कितना होगा 81 प्लस 54 4 प्लस 1 5 8 5 13 135। और ये है किलोमीटर पर आवर में, ये टाइम है आपका सेकंड में, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन सेकंड, दैट इज़ 5 बाई 18। सो अब देखिए आप बातों को, ये इक्वेशन बना 12 विल इक्वल टू 2x प्लस 150। मैं आपको इक्वेशन फिर से बताता हूँ, 12 विल इक्वल टू 2x प्लस 150, साथ में 135 इंटू 5 बाई 18। ये हमारा इक्वेशन बना 135 इंटू 5 बाई 18। अब आपको निकालना है x की वैल्यू, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये पार्ट को इधर ले जाओ, तो दैट इज़ 2x प्लस 150 विल इक्वल टू नथिंग बट 12 इंटू 135 इंटू 5 बाई 18। कट करोगे 6 2 जा एंड 6 3 जा एंड 3 4 जा 12 3 5 जा, सो 45 इंटू 5 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 45 इंटू 10 दैट इज़ 450, एंड 2x प्लस 150 विल इक्वल टू 450, मीन्स 2x विल इक्वल टू नथिंग बट 300 एंड x विल इक्वल टू नथिंग बट 150। सो x क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, x है ट्रेन B की लेंथ, यानी आप बोल सकते हो कि ट्रेन B की लेंथ है 150 और ट्रेन A की लेंथ हो जाएगी उससे 100 ज़्यादा, यानी 250। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेंड, क्या क्या हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेंथ ऑफ ट्रेन ए हमने अभी निकाल ली है, सो दिस कैन बी डन। दूसरा, टाइम टेकन बाय ए, अब यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट टाइम टेकन बाय बी टू क्रॉस इज अ मैन मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब मुझे बताइए, अगर मुझे बी का निकालना है, वो मूव कर रहा है किसी मैन को यानी स्टेशनरी बॉडी को, तो उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, अगर वो सेम डायरेक्शन में है और अपोजिट में है तो स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। यानी हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन बी है, स्पीड ऑफ ट्रेन बी है, नहीं है यहाँ पे स्पीड ऑफ मैन, और इसके रिगार्डिंग कोई भी डेटा क्वेश्चंस में गिवन नहीं है कि मैन किस स्पीड से जा रहा है। सो वी कैन से दैट क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज़ दिस पार्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, दिस कैन बी कैलकुलेटेड। क्वेश्चन नंबर टू, टाइम टेकन बाई ए टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म हाफ ऑफ इट्स लेंथ, अगेन अ ईजी क्वेश्चन। अगर मुझे ए को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है हाफ ऑफ इट्स लेंथ, एंड दिस इज ऑल्सो स्टेशनरी बॉडी, ऐसे केस में हम लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बाय स्पीड ऑफ ट्रेन ए लेते हैं, जो आप ईजिली निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ ट्रेन ए भी है, प्लेटफॉर्म लेंथ ए की हाफ है, यानी ए की लेंथ हमारे पास 250 मीटर थी, तो प्लेटफॉर्म 125 यानी 375 एंड मीटर है ये, साथ में स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्या था, 81 था, तो 81 इंटू 5 बाई 18।
तो इस तरह से आप ये दो पार्ट्स को निकाल सकते थे। जो पहला वाला पार्ट था वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट वनली ए एंड सी कैन बी कैलकुलेटेड, बी कैन नॉट।